अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो मौजू है वो है राकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। राकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर दरअसल में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया को रिकेट्स या रिकेट्सी कहते हैं। एक इन्फेक्टेड टिक्स की वजह से ये इंसानों में मुंतकिल होता है, खास तौर पर अमेरिकन डॉग टिक, रॉकी माउंटेन वुड टिक और ब्राउन डॉग टिक की वजह से। अलामत की तरफ आते हैं कि इसमें क्या अलामत होती हैं, तो पहले नंबर पर है फीवर, एकदम से बड़ा तेज बुखार होता है। दूसरे नंबर पर हेडेक, और ये हेडेक जो होता है, ये जो सर दर्द होता है, ये बड़ा शदीद होता है। तीसरे नंबर की जो अलामत है वो है रैश, और ये रैश बड़े खास किस्म की होती है। सबसे पहले ये जब नमूदार होती है तो बहुत छोटी फ्लैट पिंक स्पॉट्स होते हैं। ये ज्यादातर जिस जगह पर आते हैं तो उसमें कलाइयों पर आना, एंकल्स पर आना, ट्रंक पर आना, आखिर में ये जो स्पॉट्स होते हैं तो ये बड़े भी हो जाते हैं और सुर्ख होते हैं। इसके अलावा जो अलामत होती हैं उसमें पट्ठों का जो दर्द है वो, मतली और कह का होना और जिस्म का थकना शामिल है। तशखीस की तरफ आते हैं कि इसकी तशखीस क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले अलामात को देखा जाता है मरीज में, टिक एक्सपोजर की जो हिस्ट्री है वो देखी जाती है, वो पूछी जाती है, और मरीज से उसके लोकेशन का पूछा जाता है कि वो कितने अरसे से किस इलाके में रह रहा है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है मरीज के खून में रिकेट्स या रिकेट्सी के खिलाफ। तो ज्यादातर इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्ट किया जाता है आईजीजी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि इलाज क्या है इस बीमारी का, तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो बड़ी महफूज तस्वर होती है, बड़ी कारामत तस्वर होती है, और जब डॉक्टर को शक होता है तो फौरन से इस दवाई का जो इस्तेमाल है वो शुरू कर दिया जाता है। अक्सर औकात लैब टेस्ट का इंतजार भी नहीं किया जाता और उससे पहले ये जो एंटीबायोटिक है इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। इसमें जितना जल्दी हो सकता है इलाज का शुरू होना बेहतर होता है ताकि जो खतरा है सिवियर कॉम्प्लिकेशंस का, शदीद पेचीदगियों का, उससे बचा जा सके। इसका इलाज तकरीबन 5 से 7 दिन रखा जाता है या उस वक्त तक जब तक अलामात खत्म नहीं हो जाती। कॉम्प्लिकेशन पर बात करते हैं, पेचीदगियों पर बात करते हैं, अगर इसका इलाज वक्त पर ना हो तो क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, तो पहले नंबर पर है ऑर्गन फेलियर, गुर्दे, जिगर और जो फेफड़े हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, यानी कि मरीज को झटके आ सकते हैं, कंफ्यूजन होती है। तीसरे नंबर पर है डेथ, और ये बड़ी शदीद हालतों में सिवियर कंडीशन में होता है, खास तौर पर उन अफराद में जिनका इलाज बड़ी देर से शुरू हुआ होता है। प्रिवेंशन के मुतालिक जानते हैं कैसे हम खुद को बचा सकते हैं इस बीमारी से, तो हमेशा लॉन्ग स्लीव्स और पैंट्स का इस्तेमाल, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल, और ऐसी जगहों से खुद को दूर रखना है जहां पर टिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज अगर होती हैं तो उससे पहले बड़ा रेगुलर चेक जो है वो होना चाहिए, खास तौर पर ऐसे इलाकों का जहां पर ये टिक जो है वो पाए जाते हैं और इनकी रहने की जगह होती है, तो इन जगहों का चेकअप जो है, चेक जो है वो बड़ा जरूरी होता है। जितना जल्दी हो सकता है इन जगहों से इन टिक्स को हटाया जाए सही तौर पर, और यही वो चीज होती है जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो फिर नहीं होती इंसानों में। बहुत ज्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।